वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आई एम सरली एंड यू आर वाचिंग सरली यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ईयरली बोनस पे स्लिप बनाना। एक्सेल में ईयरली बोनस पे स्लिप कैसे बनाई जाती है। अगर आपकी बोनस स्लिप बनानी आती हो तो आपकी जॉब के मिलने के चांसेस अच्छी होते हैं, और जॉब में भी आपकी ये लाजमी है कि आपको पे स्लिप या बोनस पे स्लिप बनानी आनी चाहिए। तो ये एक्सेल में बनाते हैं, लेकिन इसे इस स्लिप को बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यार चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें। आप वीडियो आती है, वीडियो देखते हो, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो इससे ज़रा थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती है। अगर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को तो मोटिवेशन मिलती है। तो हम ये आज सीखेंगे ईयरली बोनस पे स्लिप बनाना। देखिए फुली ऑटोमेटेड है कि अगर मैं ये जैसे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हूँ, जैसे सारे ये फिगर चेंज होती है, तो इसमें फार्मूला पहले हम इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे, फिर इसमें हमें फार्मूला यूज़ करना सीखेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पे आए तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा सर स्पेस अली, सर अली ये सर्च करेंगे तो ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा सर अली। ठीक है, और ये देखिए अभी मैंने रिसेंटली ये 3 डेज अगो मैंने ये वीडियो अपलोड की थी हाउ टू मेक अ सैलरी शीट इन एक्सेल। ठीक है, ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है, 30 मिनट्स की वीडियो है। इस वीडियो में मैंने इन डिटेल आपको समझाया कि मंथली सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है, उसमें मैंने फार्मूले भी यूज़ किए हुए हैं। तो अगर ये समझ आ जाएगी, ये आपको बनानी आ जाएगी, तो ये बोनस स्लिप तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम चलते हैं ये बोनस स्लिप पे है, ये आपने बनानी है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको न्यू पेज पे बनाऊँ। यहाँ पे आपने एक्सेल, अच्छा बाय द वे अगर आपके पास एक्सेल 2007 है या 10 है तो वो कोई मसला नहीं। मेरे पास एक्चुअली 2019 और 18 और 16 है, तो मैं उस पर काम करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन वो सेम चीज़ें हैं। आपने क्या करना है, ये जैसे मैं ये यहाँ पे कंट्रोल एंड न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज लेके सबसे पहले मैंने पेज लेआउट पे जाना है, तो यहाँ पे जाके मैंने साइज इसका चेक करना है, A4 है। मार्जिन मैंने इसका नैरो रख लेना है। फिर मैंने व्यू पे जाना है, व्यू पे जाके मैंने प्रिंट ले पेज लेआउट पे चले जाऊँगा ताकि ये मुझे एग्जैक्ट पता चल जाए प्रिंट एरिया कैसे इसको यूज़ करना। ठीक है जी, तो ये हम स्लिप बनाएंगे, मैं इसको देख देख के इसके बनाऊँगा ताकि ईजिली और जल्दी काम फिनिश हो। उससे भी पहले मैं एक और लिस्ट यहाँ से एक शीट इंक्रीज ऐड कर लूँगा, प्लस के साइन को क्लिक करूँगा, तो ये शीट नंबर 2। हम शीट नंबर 2 पे वर्किंग करेंगे, शीट नंबर 1 हम ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसमें हम नॉर्मल में जाके और लिस्ट बनानी है, एक और शीट बनानी पड़ेगी, उसके लिए वो यूज़ करनी है हमने। तो शीट 2 पे मैं जाके फिर वही सीक्वेंस करता हूँ उसका। ठीक है, पेज लेआउट वो एज सच मैंने लिया हुआ है, और मार्जिन इसका मैंने नैरो कर लेना है जी, और फिर मैंने व्यू पे जाके इसको पेज लेआउट पे चले जाना है। अब यहाँ पर मैंने टाइप करना है अपनी कंपनी का नेम, तो जो भी हो जिस कंपनी पे आप काम करते हैं वो कंपनी आप लिख लें, अली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने उसका अपना एड्रेस लिख लें जो भी है, कश्मीर रोड सियालकोट, फ़ोन नंबर लिख लें, फ़ोन नंबर जो भी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ईयरली बोनस पे स्लिप, तो मैं लिख लेता हूँ ईयरली बोनस पे स्लिप। ठीक है, पहले हम सारे डाटा टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, इसके एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे, और उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नेम और फाइनेंशियल ईयर। तो मैं एक रो का गैप दे देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन, ठीक है यहाँ पे ये छोड़ के, ठीक है एक सेल, तो फिर मैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के बाद ईयर लिख लें या फाइनेंशियल ईयर लिख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं फिर ये एक लाइन का गैप थी कि मैं स्टार्ट करूँगा जिस मंथ में आपने स्टार्ट किया, जिस मंथ वो एम्प्लॉय स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स को मैं मार्च सेलेक्ट करता हूँ, मार्च
मैं जून जुलाई 6 मंथ रखिएगा, ठीक है। सिक्स हमने वैसे तो ईयरली टोटल बनानी है, तो 6 मंथ है, फर्स्ट रो में 6, सेकंड रो में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अगस्त, ठीक है। और जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और उसके बाद यहां से मैं ठीक है जी, ये भी टाइप हो गया। उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सा इसको लुक और इसको डिजाइन कर लेते हैं। ये मैंने पूरी रो को यूं इधर से सेलेक्ट किया, इसको मर्ज एंड यहाँ पे जाके होम पे जाके मर्ज एंड सेंटर किया। ये मिस्टेक होगी क्या कि मैंने पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया। आपने क्या करना है, जितना पेज का हिस्सा है वहाँ पे रहना है, शिफ्ट प्रेस करके एरो की से सेलेक्ट कीजिएगा। मार्जिन सेंटर इसका साइज रख ले, आई थिंक सो 26 ही देना, बोल्ड कश्मीर रोड। ये फिर अपने ड्रेस को भी इसको सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर इसका रख ले आप 18, इसको बोल्ड कर ले। फोन को फोन नंबर ये फिर सेलेक्ट किया, मर्चेंट सेंटर इसको रख ले 16 बोल्ड। ये भी बोनस एक सेलेक्ट करें, मर्चेंट सेंटर करें, इसका भी साइज रख ले आप 20 कर ले और बोल्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको रख लें आप साइज इसका भी 14 रख लें, बोल्ड कर लें, ठीक है। अब यहाँ से इसको यहाँ से सेल की अलाइनमेंट सेट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और एम्प्लॉय नेम ये मैं ऐसे ये वन साल पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरा कहाँ तक आएगा पेज, तो फिर मुझे उसके मुताबिक ही ये बनाना पड़ेगा। मैं इसका साइज रख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है 16 और बोल्ड, ठीक है 16 और बोल्ड 16 देन बोल्ड, ठीक है। अब इसको अलाइन कर ले सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है जी। इसको आप सेलेक्ट करके पीछे कर दें, ठीक है जी। तो ये हो गया, मैं इसको यहाँ से फरवरी तक, ठीक है जी। ये सेटिंग हो गई मेरी यहाँ तक, इसको मैं इसके यहाँ तक मिला दिया। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ से सेलेक्ट करके सब इसको कर दे ऑल बॉर्डर, ठीक है जी। ऑल बॉर्डर करने के बाद अब मैं ये है आपका, ठीक है। आपने
इन टू कॉलम्स को सेलेक्ट करना, सॉरी सबसे पहले फर्स्ट को सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज सेंटर कर दें, और इसी तरह फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करें, मर्ज सेंटर कर दें। ये डाटा इसलिए लंबा रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा नेम, ज़्यादा किसी का नेम लिखने में राइटिंग में बड़ा और छोटा होता है, तो ये ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाए। ठीक है जी, और इसको मैं इसके इक्वल कर देता हूँ ताकि इसी को मेरे सही। ठीक हो गया, और अब मुझे ये एक लाइन एक्स्ट्रा डबल आ, इस सारे को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दे एक लाइन। ठीक है, और इस लाइन को भी सब को सेलेक्ट करें और इसको मार्जिन सेंटर कर दे। ठीक है, मार्जिन सेंटर यहाँ तक हो गया। अब हम इसको और इसको भी सेलेक्ट करें और मर्जन सेंटर करें। अभी मैं सिर्फ आपको डिजाइन करना और इसकी एडिटिंग सेटिंग वगैरह बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले का काम बिल्कुल नजदीक है, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ से एक स्पेस और ये इसके साथ हमने यहाँ पे भी करना है, इसको भी करें जी ऑल बॉर्डर। ये आ गया, अब मैं एक लाइन के गैप देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे क्या चाहिए, टोटल, मतलब टोटल उसके, यानी कि ये टोटल बेसिक सैलरी पे ये सारी काउंटिंग होती है। ठीक है, आप बेशक टोटल लिख लें या बेसिक सैलरी लिख लें, इट्स अप टू यू। चलो बेसिक सैलरी लिख लें, बेसिक सैलरी लिख लें, टोटल लिखना टोटल लिख लें, और इसके बाद बोनस परसेंटेज, और उसके बाद बोनस पेबल, कि टोटल बोनस हमने पे कितना करना है। ठीक है जी, अब हम फटाफट से इसकी लुक बेहतर बनाते हैं। इसको सबको सेलेक्ट किया, इसको आप 16 बोल्ड कर लें। बोल्ड करने के बाद इसको ऑल बॉर्डर करें जी, यहाँ से ऑल बॉर्डर। ठीक हो गया जी, अब ये देखिए बोनस पेबल थोड़ा सा इसको यहाँ से ट्रैक करें और ये इसकी बोला जाए। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको जितना आपने प्रिंट करना ना उसका कैप रखेंगे, सबको सेलेक्ट करें, ये टू लाइंस एक्स्ट्रा रख लें ताकि अगर आप साइन वगैरह ऐड करना हो डायरेक्टर का वो भी ऐड कर लें। अब इसमें जाके आप फिल में जाके वाइट फिल कर लें, और ये देखिए फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करें, सेकंड को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे ईयरली बोनस पे आके आप, अच्छा एक और काम करें, यहाँ से ये जितना आपने सेलेक्ट किया ना जितना फिल किया इसको सब को सेलेक्ट करें दोबारा से, और यहाँ पे जाके इसको थिक बॉक्स बॉर्डर पे बना दे ताकि इसका आउटलुक बन जाए। ठीक है जी, आप व्यू पे जाके इसका पेज व्यू चेक करें, ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करें और इस पे जाके आप थिक बॉक्स बाउंडर बना दें। ठीक है, इसके मार्जिन का इशू आ रहा है, मैं इसका मार्जिन सेलेक्ट कर लूँ, इसको प्रिंट प्रीव्यू पे जाएं और यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करें और यहाँ से ड्रैग करके इसको कंट्रोल सी इसको वापस ड्रैग करें यहाँ पे, क्लोज कर दें इसको कंट्रोल सी और ये आपके एक्चुअल शेप में आ जाएगा। फिर प्रिंट प्रीव्यू पे जाके इसका मार्जिन सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ से ट्रैक करें थोड़ा सा, ये
अब मैंने यहाँ से सबको सेलेक्ट किया, इस पे मैंने वाइट फिल कर दिया और थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दिया। ठीक हो गया। अब ये भी बोनस पे सेलेक्ट करके इस पे भी थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दें ताकि ये ज़रा डिफरेंट लगे। फिर इस पे आके ऑल बॉर्डर कर दें और फिर एम्प्लॉय और ये सब को सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करें। ये भी रेडी हो गया और ये भी ठीक है। इस सारे पे भी ऑल बॉर्डर करें और मार्च अप्रैल और इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए डिफरेंस इसमें आप ये देखें, ये लाइट सा कलर कर दे। ठीक है, फ्रंट कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर करना है। और इसको भी थोड़ा सा ये 16 और ये 16, इसमें क्यों है कि थोड़ा सा गैप, इसको थोड़ा सा नीचे ट्रैक कर ले ताकि उसको इक्वल आ जाए। ठीक है जी। अब ये हमारे पास, इसको भी सेलेक्ट करें सब, तो क्योंकि हमने ब्लैंक छोड़ी थी, इस पर भी ऑल बॉर्डर करें और नो बॉर्डर और इसको मार्जिन सेक्टर डाल दें। ठीक हो गया। टोटल को इसको भी कलर दे दें बिल्कुल लाइट सा, अगर आप देना चाहें तो ये लाइट कलर दे दें ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए, लाइट कलर और लाइट कलर। अच्छा, बोनस में थोड़ा सा इश्यू है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करें और कंट्रोल जी करें दोबारा से, तो इसको थोड़ा सा आगे कर लें। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बैक ड्रैग कर लें। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखे जाएंगे, फाइल और प्रिंट प्रीव्यू ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला फटाफट अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपकी वीडियो ज़रा लेंथी हो गई है काफ़ी, तो मैं फटाफट इसमें टोटल और ये आईडी, एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है यहाँ पे शीट वन पे। देखिए, मैंने जो फाइल बनाई है इसमें मैंने ये एक शीट रेडी की है जिसमें आप अपना पहले मतलब मैनुअल रिकॉर्ड करते हैं। ये कंपनी नेम आ गया, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर आपने जो जनरेट किया हुआ कंपनी, हर एम्प्लॉय का नंबर होता है, फिर उसका नेम है, फिर उसकी डेजिग्नेशन है, फिर नंबर ऑफ डेज है, 240 वेजेस उसकी क्या, बेसिक सैलरी हमने बात की थी, बेसिक सैलरी पे बोनस स्लिप बनती है ना, बेसिक सैलरी हो जाएगी मार्च पर हर मंथ की, डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन एक भी मैंने एक रखा हुआ था कि डाटा सेम रहे लेकिन डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट सैलरी पे स्केल होता है डिफरेंट डेजिग्नेशन में। और ये टोटल उसका आ जाएगा, फिर उसका बोनस रेट है, बोनस रेट 9% चार्ज कर रहे, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट होती है। ये मैंने एक नंबर रैंडम सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जितना बोनस पे है, ये एक शीट रेडी करनी है आपने। ये शीट रेडी हो जाएगी तो फिर जाके ये अप्लाई होगा। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, फटाफट से इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और इसको मैं जाके अपनी जो मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ उस पर शीट वन पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है जी, मेरी ये भी शीट रेडी हो गई। अब मैंने क्या करना है जी, इसमें मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। मैंने इसमें क्या करना है, इसमें एक लिस्ट बना लेनी है ताकि मैंने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूँ तो वो वहाँ पे आ जाए। मैं जाता हूँ डाटा पे और डाटा वैलिडेशन एनी वैल्यू पे जाकर लिस्ट, और सोर्स में जाके मैंने सोर्स सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे अपने शीट पे चला जाता हूँ। शीट पे जाके मैं एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर, ये सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अभी मैंने फॉर द टाइमिंग एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा डाटा लिया, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा जितनी लंबी होगी वो सबको सेलेक्ट कर लेना। ओके ओके, जाके जैसे लिस्ट जनरेट होगी 786। ठीक है जी, हमारी लिस्ट एम्प्लॉय आईडी की ये लिस्ट बन गई। देखें, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इनका नेम आ जाए ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, सबसे पहले क्या है जी 786, हमने लिस्ट में जाके देखना है ना 7, जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाके मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू वी वी एल वी एल डब्ल्यू के वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू क्या होगी जी, कि किसको चेंज करें, हम आईडी को चेंज करेंगे तो उसका एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी लुकअप वैल्यू होगी। मैं इसको लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा,
अब मुझे टेबल एरिया चाहिए। टेबल एरिया मतलब ये मैंने शीट में जाके जितना भी टेबल है वो सबको सेलेक्ट कर लिया। अब ये एक चीज का पॉइंट रखना है याद आपने, कि आपने इम्प्लॉई नेम सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया, सीरियल नंबर से स्टार्ट नहीं किया। अगर सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे तो फिर सीरियल नंबर से आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर हमने इम्प्लॉय नंबर से सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे इम्प्लॉय नंबर को सबको यूँ सेलेक्ट कर लूंगा टेबल को। आप बेशक जितनी आपके ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में डाटा चाहिए, आप ज्यादा भी करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या जितनी आपकी वो हो लिस्ट। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फॉर्मूला बार में आए, कॉमा लगाया। अब वो पूछ रहा है किस कॉलम में, नेम किस कॉलम में, क्योंकि मैं नेम इम्प्लॉय नेम चाह रहा हूँ ना, इम्प्लॉय नेम मेरा 1 2 सेकेंड कॉलम है, ये देखें ये फर्स्ट और ये टू कॉलम नंबर 2 कॉमा। अब एग्जैक्ट टू फॉल्स में आप 0 टाइप कर लें, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए मिस्टर सलमान खान आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही ये चेंज करूंगा 1 2 3 तो ये मिस्टर आमिर खान आ जाएगा। देखिए आप लिस्ट में जाके देखिए 1 2 3 पे अंबर। अब मुझे इसकी डेजिग्नेशन चाहिए, तो डेजिग्नेशन में भी मैं एक दफ़ा ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। मैं वी लुकअप का फार्मूला फटाफट से सब कॉलम में अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि ये वी लुकअप के फार्मूले से ही ये सारी डाटा आएगा। तो ये मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ से ये ऊपर फार्मूला बार में गया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, या डेजिग्नेशन में जाके कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, और जाके मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करना है। डेजिग्नेशन क्या जी मेरी, डेजिग्नेशन किस कॉलम पे है जी, 1 2 3 डेजिग्नेशन के 3 कॉलम पे, यहाँ पे भी सिर्फ मैंने नंबर 3 ऐड करना है, और ये देखिए उसका HR आ गया, ठीक है, HR है, और फाइनेंशियल ईयर आप लिख लें जी 2022, ठीक है। अब इसी तरह मैंने वी लोगों का फार्मूला मार्च में लगाना है जी, कंट्रोल वी मार्च। अब मार्च देखिए किस कॉलम में है जी, 1 2 3 4 5 6 सिक्स कॉलम में मार्च है, ठीक है, ये कॉलम नंबर 6 है मार्च। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलम में जाके 2 की जगह 6 टाइप करता हूँ, तो देखिए 20,000 इसकी सैलरी आ गई। इस तरह मैं कंट्रोल वी 6 के बाद ये 7, ठीक है, फिर कंट्रोल वी 7 के बाद 8, कंट्रोल वी 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 11, कंट्रोल वी पेस्ट, 11 के बाद आ जाएगा 12, ट्वेल्व के बाद आ जाएगा यहाँ पे 12 के बाद कंट्रोल वी 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है जी। और अब मुझे क्या चाहिए जी, टोटल, कंट्रोल वी। अब टोटल देखें किस कॉलम में आएगा, 17, ये 8, टोटल 18 में आ जाएगा, ठीक है 18। तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा 18। अब देखो 240,000। अब देखिए जैसे ही मैं ये देखिए एम्प्लॉय आईडी क्या है जी, अब मैं जैसे 768 तो मिस्टर सलमान खान, और उसका डाटा देखिए 3 लाख सैलरी मान रही थी, ये देखिए ये उसकी 3 लाख और ये 24 लाख। बोनस परसेंटेज के जी 9%। अब यहाँ पे जाके फिर मैं जाके बेशक इसको आप फॉर्मूले से अप्लाई कर ले, कंट्रोल वी, और ये था कितना बनेगा, आई थिंक सो 19। अब देखिए राउंड ऑफ में, तो यहाँ पे जाके आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये फार्मूले से फार्मूला लगाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डिफरेंट रेट हो सकता है बोनस पे, इसलिए बोनस पे बोनस का रेट, तो इसलिए फार्मूला लगाया। लेकिन आप इसको बाय हैंड भी लिख सकते हैं, रिटर्न मैनुअली भी। और बोनस पेबल में फिर जाके कंट्रोल वी, और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ 19 19 से 20, 227,000, ये आ गया वी लुकअप। लेकिन अगर आप बोनस को वैसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला भी एक और नई टेक्निक सीखते हैं जी। अब हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये फार्मूला रेज करता हूँ,
मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ राउंड का, इज इक्वल टू राउंड राउंड बैक स्टार्ट। मुझे क्या करना है जी, टोटल पे, इस टोटल पे शिफ्ट के बटन से अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो न्यूमेरिक कीबोर्ड है, न्यूमेरिक चीज होंगी, 8 8 के ऊपर स्टार का मल्टीप्लाई का साइन होगा, शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई किससे करना, इस रेट से, ठीक है, कॉमा 0 और एंटर। ये देखिए 27,000 इसका पेएबल बन रहा है बोनस, ये देखिए 27,000। इस तरह दूसरे का चेंज करना है, तो ये जैसे ही मैं इसका डाटा यहाँ पे लिस्ट चेंज करता हूँ तो इसका देखिएगा 21,600 और ये देखिएगा 21,600, ठीक है। ये था आपका ऑटोमेटिकली बोनस पे स्लिप डिजाइन करना इन एक्सेल, ठीक है। मैंने बोनस, मैंने आपको सैलरी शीट पे सैलरी स्लिप बनानी भी बताई है, वो मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देखो, ये वीडियो देखें, आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कोई मसला हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का बिलिंग और दूसरी फाइल का बिलिंग डाल दूंगा। अगर वो मेरे एक सब्सक्राइबर थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें वो स्लिप पैटर्न का डिज़ाइन दे दें, तो मैं वो लिंक आपको नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।